दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट राउस एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से वकीलों ने कोर्ट में तुरंत एप्लीकेशन मूव कर दिया है। गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए जिस पर कोर्ट कल सुनवाई करेगी, मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन न ही तीनों आरोपी और न ही उनके वकील कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील कोर्ट के NBW जारी करने के बाद कोर्ट पहुंचे। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में तीनों के खिलाफ आरोप तय किए थे। वकील और याचिकाकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने इन तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुरेंद्र को पहले शाहदरा से आम आदमी पार्टी ने विधायक पद के लिए टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनकी टिकट काट कर किसी और को दे दी गयी। इसी दौरान टिकट कटने की वजह पूछे जाने पर उक्त तीनों ने बताया कि सुरेंद्र शर्मा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उन्हें टिकट नहीं दी जा सकती। इन्हीं बयानों को शर्मा ने कोर्ट में चुनौती दी और मानहानि करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। दिल्ली से सुचित्रा गोस्वामी की रिपोर्ट।